मेरे भाई कहा करते थे कि यहूद और नसारा ने जब मैदान में शिकस्त खाई और सामने लड़ने के काबिल न रहे तो उन्होंने कलम और किरदार का सहारा लिया और तारीख में तहरीफ करने के लिए बैठ गए। फिर उन्होंने आदमी के मुकाबले में आदमी, मनसब के मुकाबले में मनसब, ओहदे के मुकाबले में ओहदा, किताब के मुकाबले में किताब, रावी के मुकाबले में रावी, वाक्य के मुकाबले में वाक्या, एक एक चीज को बदल कर रख दिया। तारीख का चेहरा मस्त कर दिया, नहीं पहचान सकता जब तक कि किसी आदमी को कुरान और हदीस से वास्ता रहो। भाई साहब अपना वाक्य सुनाया करते थे कि जब मैंने कुरान से सहाबा को नहीं समझना शुरू किया था, सिर्फ तारीख से मैं सहाबा को समझ रहा था, तो मैं सहाबा से बदजन होता गया और आखिरी दिन जो मेरी हिदायत का दिन था वो ये था कि अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह, मैं तीन दिन से दरवाजे से अपने कमरे के दरवाजे से बाहर नहीं निकल रहा था, इसी फिक्र में गलता शब रोज लेटता किताबें पढ़ता। 20 साल हो गए थे किताबें पढ़ते हुए, लेकिन मेरा जमीर मुतमईन नहीं हो रहा था कि सहाबा हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तारीख क्या कहती है। वालदा ने अर्ज किया, ये तीन दिन से न खा रहा है न पी रहा है, इसको निकालो बाहर। दरवाजा खोला तो उस वक्त भी मैं सीरत मुआविया रजी अल्लाह ताला नु पढ़ रहा था, तो मैंने उसी वारफ्तगी में अल्फाज मेरे कमेंट्रेशन हो जाएगी जो भाई साहब ने इरशाद फरमाया, उसके वैसे के वैसे नकल नहीं कर सकता। मैं कह जी हम क्या कर रहे थे, मैं कही थोड़ा मुआविया पढ़ना पैसा वहां कह लो जो कुछ है लिखे है जी, मुआविया सीधे मेरी तौबा है। अब आगे अल्फाज बादशाह साहब के भाई साहब की जुबानी सुनाता हूँ। तो मैं बुद्धू मियां, मैंने समझा था कि तुम मौलवी बन गए हो, तुम्हें अकल आ गई होगी, पर तुम वैसे के वैसे बुद्धू रहे। दो लफ्ज़ी बात फरमाई, फरमाया जो मेरी हिदायत का बायस बनी, फरमाया सहाबा की जमात को तारीख से मत समझो। अगर सहाबा को तारीख से समझोगे तो दीन सारा तबाह बर्बाद हो जाएगा। सहाबा को कुरान से समझो, सहाबा अल्लाह के इंतखाब है, हुजूर के गुलाम है। जैसे हुजूर कुरान से समझ आते हैं, ऐसे सहाबा भी कुरान से समझ में आएंगे। उसके बाद मैंने जो वाक्य पढ़ा और कुरान पढ़ा, हर वाक्य सहाबा की ताईद में जाता रहा। जब मैंने सहाबा को कुरान के जरिए समझना शुरू किया, तारीख का झूठ एक तरफ होता गया और सच एक तरफ होता गया।